हेलो गाइस, वेलकम टू एड वन पुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार, और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी के जो पत्र और पत्रिकाएं हैं उससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नागपुरी के जो महत्वपूर्ण और मुख्य पत्र पत्रिकाएं हैं और उनके जो संपादक हैं, तो उसका डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। पत्र पत्रिका, वर्ष और स्थान और संपादक, ये चार डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहला है यहाँ पे आदिवासी, जो कि वर्ष 3 फरवरी 1947 में, 1947 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इसका प्रकाशन किसने किया था? तो राधा कृष्ण ने किया था। कहाँ से हुआ था? तो रांची से इसका प्रकाशन हो रहा था। इसका एक डिटेल्स ये भी बता दूं कि 4 अंक नागपुरी में आया था, ठीक है। उसके बाद से आदिवासी पत्र जो पत्रिका है उसका प्रकाशन हिंदी में होने लग गया था। और नागपुरी और जो सदरी लोग जो हैं उनकी जो जीवन शैली है उसके बारे में इसमें डिटेल्स प्रकाशित होता था, ठीक है। चलिए आगे है। नागपुरी ये किस वर्ष हुआ था? तो अप्रैल 1961 में इसका प्रकाशन हुआ था, और ये नागपुरी का पहली पत्रिका है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि नागपुरी की पहली पत्रिका कौन सी है, तो 1961 में प्रकाशित नागपुरी नाम की पत्रिका है, ठीक है। आदिवासी भी नागपुरी पत्रिका ही थी, लेकिन इसका प्रकाशन हिंदी में होता था, ठीक है। और ये नागपुरी पत्रिका जो है उसको किस स्थान से इसका प्रकाशन होता था? नागपुरी कला संगम, यहां से होता था, ठीक है। और इसके संपादक कौन थे? योगेंद्रनाथ तिवारी थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी समाचार, नागपुरी समाचार पत्रिका जो है वो अक्टूबर 1966 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था, जो रांची से प्रकाशित होती थी, और इसके जो संपादक थे उनका नाम था लक्ष्मी नारायण तिवारी। आगे बढ़ेंगे। जय झारखंड जो पत्रिका है वो 1971 ईस्वी में डाल्टेनगंज से ये प्रकाशित होती थी, और इसके संपादक कौन थे? बीपी केसरी। आप लोग यहां पर एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये डाल्टेनगंज होगा या फिर रांची होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे जो डिटेल्स मिले हैं उसमें ये डाल्टनगंज है, ठीक है। और अगर ये रांची भी हो सकता है, डाल्टनगंज भी हो सकता है, तो ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज, और कमेंट सेक्शन में मुझे भी बतला दीजिएगा कि इसका कहाँ से प्रकाशन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डहर, डहर नाम की जो पत्रिका है 1972 ईस्वी में एचईसी धुरवा में से ईश्वरी प्रसाद करते थे, ईश्वरी प्रसाद बेड़ो के रहने वाले थे, वो छोटा नागपुर संघ रांची से इस पत्रिका का प्रकाशन होता था, ठीक है। आपसे प्रश्न में पूछ देगा कि डहर नाम की पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था या उसके संपादक कौन थे? तो ईश्वरी प्रसाद थे, ठीक है। कहाँ से होता था? तो एचईसी धुरवा से इसका, मतलब कि छोटा नागपुर संघ रांची के द्वारा इसका प्रकाशन होता था, वो स्थान है। एचईसी धुरवा और भी स्पेसिफिक है, ठीक है। कब से हुआ था, मतलब कब हुआ था इसका? तो 1972 ईस्वी में हुआ था। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। सबका नोट्स बना लीजिए और आप अपने अकॉर्डिंग इसकी तैयारी कीजिए। आप अगर चाहें तो रांची से कौन कौन सी पत्रिका निकलती थी इस तरह से भी नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप वर्ष के अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकते हैं कि सबसे पहला कौन सी पत्रिका अरेंज, मतलब कि सबसे पहले कौन सी पत्रिका का प्रकाशन हुआ, उसके बाद कौन सी पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इस तरह से भी आप लोग नोट्स बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। इससे कुछ ना कुछ प्रश्न हर तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। शंखनाद, शंखनाद जो है 1977 ईस्वी में नागपुरिया संघ सिंहडेगा के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता था, और इसके संपादक कौन थे? तो रामजीत सेनापति थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। गोतिया, गोतिया नाम की जो पत्रिका है उसके जो संपादक हैं वो है डॉक्टर बीरेंद्र कुमार महतो, जो कि रांची चुटिया स्थान से इसका प्रकाशन होता था। इसमें आपको यहां पर जो है 2009 और 2006 ये दो डेट दिया गया है। सबसे पहला प्रकाशन इसका हुआ था 2006 में, कुछ गैप हुआ, उसके बाद फिर 2009 में इसका प्रकाशन हुआ है, ठीक है। और इसके लिए 2011 में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो को सम्मानित भी किया गया है, गोतिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। आगे बढ़ेंगे। सत्संग या फिर निष्कलंका ये नाम का जो पत्रिका है वो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 1937 से लेके 1957 तक इसका प्रकाशन किया गया, किसके द्वारा?
फादर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा। अब ये किस स्थान से होता था इसका डिटेल्स मुझे नहीं पता है, मैंने ट्राई किया है, आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आदिवासी पाक्षिक, आदिवासी पाक्षिक नाम की जो पत्रिका है 1938 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था आदिवासी महासभा के द्वारा, ठीक है। बंदीराम उरांव और जूलियस दिग्गा जो है इसके संपादक थे। अच्छा, आदिवासी महासभा का जो गठन कौन किए थे, जयपाल सिंह मुंडा किए थे। तो उसी आदिवासी महासभा में इस आदिवासी पाक्षिका नामक पत्रिका को सबके सामने रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था, तो बंदीराम उरांव और जूलियस दिग्गा के द्वारा रखा गया था, ठीक है। ये सारे डिटेल्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके इसका प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आदिवासी विशेषांक, आदिवासी विशेषांक 1939 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। किसने किया था, तो जयपाल सिंह मुंडा ने किया था, ठीक है। स्थान मोस्ट प्रोबेबली रांची ही होगा, लेकिन मैं कंफ्यूजन में था इसलिए मुझे लगा कि इसका स्थान मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। घरैया गोठ नाम की जो पत्रिका है उसको ईसाई धर्म और सदरी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए 1961 ईस्वी में शिलोंग का आदिवासी स्टूडेंट यूनियन जो था उन्होंने प्रकाशित किया था, और उस आदिवासी स्टूडेंट के जो हेड थे वो बाखला जेफ और जोस करकेटा थे, तो यही दोनों ने इसका संपादन किया था। किसका, घरैया गोठ नाम की पत्रिका का, ठीक है। सदरी भाषा मतलब कि नागपुरी भाषा को ही सदरी भाषा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको एक ये भी मैं थोड़ा सा डिटेल दे दूं कि सदरी वर्ड जो है ना उसका मतलब ही होता है खुला हुआ, तो वैसे लोग जो जंगलों से थोड़ा सा हटके खुले मैदान में रहते थे उसी को सदरी कहा जाता है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग सुने होंगे सदर अस्पताल, तो सदर अस्पताल इन जनरल पहले कहां पर हुआ करता था, खुले मतलब कि खुले मैदान में हुआ करता था और वो सबके लिए खुला था, इसीलिए इसका नाम दिया गया है सदर अस्पताल, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल बतला रहा हूं। तो सदरी भाषा के प्रचार के लिए और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार के लिए घरैया गोठ नाम की पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1961 में आदिवासी स्टूडेंट्स शिलोंग से, ठीक है। शिलोंग जो है वहां से इसका प्रकाशन हुआ था बखला जेब एवं जोश करकट्टा के द्वारा इसका संपादन हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी महीनवारी कागज, ठीक है, ये 1964 ईस्वी में नागपुरी भाषा परिषद रांची के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था और इसके संपादक कौन थे, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है पझरा स्मारिका, 1985 ईस्वी में डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। आप लोग पझरा स्मारिका भी आता है और एक था पझरा भी, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। पझरा स्मारिका जो है वो पत्रिका है, ठीक है, जिसका संपादक कौन है, तो डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू है, जो कि 1985 ईस्वी में इसका इस पत्रिका का संपादन शुरू हुआ था। अगला है आदिवासी सकम, जो कि 6 जुलाई 1940 ईस्वी में हिंदी अंग्रेजी और बांग्ला इन तीन भाषाओं में इसका प्रकाशन होता था। कहां से होता था, तो जमशेदपुर से होता था और जयपाल सिंह मुंडा जो है इसके संपादक हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अबुआ झारखंड, अबुआ झारखंड जो है उसके जो संपादक हैं उनका नाम है इग्नेश कुजूर, बाद में इग्नेश बेग के द्वारा इसका संपादन होने लग गया था। कहां से होता था, पत्थर कुदुआ रांची से होता था। कब हुआ था, तो 14 दिसंबर 1947 ईस्वी से अबुआ झारखंड नामक पत्रिका जो है वो प्रकाशित हुई थी और 1950 से झारखंड पार्टी का ये मुख्य पत्र बन गया था अबुआ झारखंड, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि झारखंड पार्टी का मुख्य पत्र अबुआ झारखंड के संपादक कौन थे, ठीक है, तो इग्निस कुजूर, बाद में इग्निस बेग। चलिए आगे बढ़ेंगे। तितकी, तितकी नामक जो पत्रिका है वो 1963 में खोरठा और नागपुरी दोनों भाषाओं में इसका प्रकाशन होता रहा है, ठीक है, जो कि बीएन ओहदार के द्वारा हुआ है, ठीक है। इसका स्थान मुझे नहीं पता है कि कहां से ये होता था, जो डिटेल्स है वो मैं आपके सामने रख दिया हूं, ठीक है। आगे है झारखंड समाचार, झारखंड समाचार नाम की पत्रिका 9 जून 1968 ईस्वी में रांची से प्रकाशित हुई थी। इसके संपादक जो थे वो थे इग्निस कुजूर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जोहार,
जोहार जो है वो 1980 ईस्वी में रांची से इसका प्रकाशन होता था, जिसके संपादक थे दिलवर हंस। चलिए आगे बढ़ेंगे। रांची एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो आता था उसमें भी नागपुरी भाषा के लिए एक अलग से कॉलम हुआ करता था, जो कि 15 अगस्त 1963 को शुरू हुआ था। अच्छा, आप ये देखिएगा, फिर 1967 यहां पर मैंने मेंशन किया है, क्योंकि बीच में इसका प्रकाशन जो है वो रुक गया था और फिर से शुरू हुआ था, इस तरह से होता आया है। लेकिन पहला आप क्या कहां से शुरू हुआ है, 1963 से शुरू हुआ है, ठीक है। और इसके जो संपादक थे वो कौन थे, बलबीर दत्त और सीताराम मास थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड टाइम्स, झारखंड टाइम कब से शुरू हुआ था इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इसके जो संपादक हैं उनका नाम है एन होरो और इलियास माजिद। इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, और आपको अगर ये पता है कि कब से शुरू हुई है या किस स्थान से शुरू हुई है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कीजिए। आगे है छोटा नागपुर संदेश। छोटा नागपुर संदेश नाम की पत्रिका 1976 ईस्वी में रांची से प्रकाशित हुई थी। इसके संपादक कौन थे, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। संवाद, संवाद नाम की पत्रिका 1980 ईस्वी में रांची से प्रकाशित होती थी, जिसके संपादक थे शिशिर कुमार लाल। आगे है कोयनार, कोयनार जो है वो 1992 ईस्वी में रातू रांची से प्रकाशित होती थी, जिसके जो संपादक है उनका नाम है राकेश रमन। आगे है हुल झारखंड या फिर हुल जोहार, इस तरह की पत्रिका आती थी, जिसका संपादक थे बीपी केसरी, ठीक है, डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी, रांची से इसका संपादन होता था। 2002 ईस्वी में ये पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगुआ, अगुआ नाम की जो पत्रिका है 1981 ईस्वी में शुरू हुई थी, जलपाईगुड़ी से शुरू हुई थी। जलपाईगुड़ी कहाँ पड़ता है, बंगाल में है, जोय कुमार पहान के द्वारा इसका प्रकाशन होता था, ठीक है। आगे है कचनार, पहले अभी हम लोगों ने देखा था कोयनार, यहां पर आप लोगों ने देखा क्या, कोयनार, कोयनार राकेश रमन के द्वारा था, ठीक है। अभी हम लोग अब क्या देख रहे हैं, कचनार, कचनार 1982 ईस्वी में हटिया रांची से नंदू राम नंदेश के द्वारा इसका संपादन हुआ करता था, ठीक है। आगे है कला संगम स्मारिका, इस नाम की जो पत्रिका है ये एक्चुअली एक कॉलम आता था 1982 ईस्वी में पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी के द्वारा। आगे है छोटा नागपुर पत्रिका या फिर छोटा नागपुर संदेश, 1924 ईस्वी में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी राजा राम शर्मा। इसमें नागपुरी भाषा के बारे में बतलाया जाता था, मतलब कि सदरी लोगों का, नागपुरी लोगों का या फिर इस तरह इधर के लोगों का जो जनजातीय परिवेश है उसके बारे में इसमें जानकारी आपको दी जाती थी, ठीक है। लेकिन ये नागपुरी में नहीं होती थी, हिंदी में होती थी, ठीक है। तो छोटा नागपुर पत्रिका या छोटा नागपुर संदेश, ठीक है। कहीं कहीं पर नागपुरी भी कभी कभी किसी किसी कॉलम में ऐड किया जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड, झारखंड नाम की पत्रिका 1937 ईस्वी में बड़ाई ईश्वरी प्रसाद सिंह के द्वारा प्रकाशित होती थी। 12 अंक छपने के बाद इसको बंद कर दिया गया था। देखिए एक्चुअली होता क्या था ना, 1937 सोचिए आजादी से पहले का समय, ठीक है, अंग्रेजी शासन था, उन लोग अपना नया नया रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये एक्ट तो वो एक्ट, कई तरह का एक्ट लेके चले आते थे, जिससे कि पत्र पत्रिका को बंद होना पड़ता था, ठीक है। तो 12 अंक ये छपा, उसके बाद ये बंद हो गया था, झारखंड नाम की पत्रिका। आगे है आह्वान, आह्वान नाम की पत्रिका 1984 ईस्वी में सुंदरगढ़ उड़ीसा से जोवाकिम कैरकेट्टा के द्वारा इसका संपादन होता था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सहिया, सहिया नाम की पत्रिका है जो कि 2006 ईस्वी में रांची से अश्विनी कुमार पंकज इनका संपादन करते थे, ठीक है। आगे है पजरा, पजरा जो है 2019 में शकुंतला मिश्र और संजय कुमार सारंगी के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। इसके संपादक कौन है, तो शकुंतला मिश्र हैं और डॉक्टर संजय कुमार सारंगी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। डामुक, डामुक नाम की पत्रिका जो है हितैषी कार्यालय चाईबासा के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था, जिसके संपादक थे धनी राम बख्शी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नागभूमि, नागभूमि जो है वो पालकोट से प्रकाशित होती थी, जिसके संपादक थे सुधीर प्रसाद। ये कब से शुरू हुई थी इसका आइडिया मुझे नहीं है, अगर आप लोगों को कोई जानकारी है तो आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू भी अपनी जानकारी को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रांची टाइम्स 1982 में दिलीप दादर के द्वारा इसका संपादन किया गया था।
तो दोस्तों ये है मुख्य नागपुरी के पत्र और पत्रिका, उसका प्रकाशन ईयर, उसका प्रकाशन स्थान और उसके संपादक। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसको आप लोग अपने तैयारी में जरूर से ऐड कीजिए, ठीक है। अब आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस के लिए एडु अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।